दोस्तों, मेरा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं लास्ट टाइम ये वीडियो बना चुका था, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए और कुछ ने साफ साफ धमकी भी दी है कि ये वीडियो तुम खुद डिलीट करोगे। तो मैंने सोचा कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, तो चलिए इस पिक्चर को कंप्लीट किया जाए। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आपके बीच अवेयरनेस फैलाई जा सके, जिससे आप इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में ना पड़े और आप सही लोगों को फॉलो करें, चाहे वो आपके मेंटल हेल्थ की बात हो चाहे फिजिकल हेल्थ की, आपको सही इलाज मिल सके। लेकिन आपको लगा कि मैंने किसी स्पेसिफिक धर्म की बात की है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं था। अगर हुआ है मेरी तरफ से तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यहां तक कि प्रेमानंद जी महाराज ने भी यही बात कही है, ये आप क्लिप देखिए। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे, आए और करे छू ले जंतु बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतु ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतु, हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, में जो ताकत हो बदल दो, और या हमारा अगर शरीर पर प्रभाव डालते हो तो हमारी किडनी को बदल दो, आज से डायलिसिस बंद हो जाए। है कोई फालतू में उनको जिनकी बुद्धि नहीं है, बावरे अस्पताल बने, ये बावरे डॉक्टर, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। प्रेमानंद जी महाराज ने किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं की है। वो कहते हैं कि जो आप सही मार्ग पे चल सकते हैं उस पे चले, उसकी शिक्षा प्राप्त करें, ना कि किसी फेक बाबा के चुंगुल में फंस जाए और उनका शिकार बन जाए। लेकिन बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि किसकी बात माने, प्रेमानंद जी महाराज की बात करें या फिर धीरेन्द्र शास्त्री की माने, जो कहते हैं कैंसर का इलाज करते हैं। क्यों नहीं धीरेन्द्र शास्त्री, करोली सरकार या फिर पांडुकर सरकार बाबा जो क्लेम करते हैं सारी बीमारी का इलाज करने का, वो प्रेमानंद जी महाराज का इलाज क्यों नहीं करते हैं? उनकी किडनी में इश्यू है, उनका इलाज क्यों नहीं करते? प्रेमानंद जी महाराज के इस सवाल पर कोई भी कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारे एक बाबा है पांडुकर सरकार, उन्होंने क्या कहा आप ये भी सुनिए। रहा किडनी लीवर यदि प्रेत बाधा से खराब है या बुखार या कैंसर, चेचक के दाग, पैरालिसिस, यदि प्रेत बाधा के अंतर्गत आने वाली प्रेत बाधा से संबंधित यदि व्याधि है, तो चुटकी बजा के एक क्षण में ठीक करने की दम रखता हूं, यह महापुरुषों का आशीर्वाद है। सुना आपने, कोई सेंस बनता है इस बात का? मतलब कैंसर या कोई और जानलेवा बीमारी दो तरह से होती है, एक होती है भूत प्रेत से और एक होती है नेचुरली। ये डिसाइड कौन करेगा और कैसे करेगा? और जहां तक भूत प्रेत की बात है, वो आपके साथ कुछ गलत करना चाहेंगे तो सीधा आपके साथ गलत कर देंगे ना, सीधा आपके पास आएंगे, आपको मार देंगे, कुछ भी कर सकते हैं अगर भूत प्रेत होते हैं तो। ये कैंसर या चेचक की बीमारी आपको देंगे? आप ही सोचिए, कोई आपको भूत प्रेत आके बीमारी देगा? और लोग आज भी पांडुकर सरकार बाबा को सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं पूरे पंडाल में बैठकर, खुश हो रहे हैं कि वाह बाबा ने क्या बात बोली है। दोस्तों, ये बाबा खुद जाते हैं हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए, और जिसमें कोई गलत बात नहीं है। धर्म की शिक्षा देना या फिर सही राह में चलना, ये धर्मगुरु का काम है, धर्मगुरु को करना चाहिए काम। लेकिन डॉक्टर बनना या कोर्ट रूम में जज बनकर बैठना, ये सेंसलेस है। अब कोर्ट में बैठे हो, जज बने हो, किसने गलत किया इसे सही किया है, चिट्ठा पत्री पता नहीं क्या क्या काट के, चलो ये एक बात हुई। लेकिन आज के जितने भी कंट्रोवर्सी हो रही है, आप अगर देखोगे कितनी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है इन बाबाओं के बीच, वो मेरे कॉम्प्रिहेंशन के बिल्कुल बाहर है। यार, एक ही कृष्णा और एक ही राधा के कई रूप हमें सुनने को मिलते हैं। कोई कथावाचक कुछ कहता है, कोई धर्मगुरु कुछ और कहता है, किसकी बात माने? जिसकी वजह से आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी से काफी नाराज हैं प्रेमानंद जी महाराज, जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी पे एक बहुत नई बात बताई थी कि उनकी शादी कहीं और हुई थी। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी? राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जू के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा, राधा ऐसा। चार श्लोक पढ़ लिए भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे संतों के चरणों में,
कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशब्द वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या क्या जानता है लाडली जी के विषय में? कितने वर्जन है भगवत गीता के, आप ये भी बता दो यार, कितने वर्जन है भगवत गीता के? और यही नहीं, धर्मगुरु और ये कथावाचक की कंट्रोवर्सी काफी टाइम से चली आ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं ये जो कथावाचक होते हैं वो रुमाल में विक्स लगा कर रखते हैं ताकि उनको कथा के दौरान अगर रोना हो तो आंखों में रुमाल मल लेते हैं जिससे आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी भी रोते हैं, मैंने उनका भी देखा है, वो भी रोते हैं ज्ञान देते समय, लेकिन हाँ उनके आंसू तो असली होंगे, बाकी के तो नकली होते हैं। रुमाल में बाम लगा लेते विक्स, रुमाल बाम, अब वो बाम लगा के यहां से, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलती नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं तो व्यास जी दुखी हैं? तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई, अब बाम जैसी आंखों में लगे झर झर आंसू लोगों को लगने लगता, साक्षात केवट जी ये कथा सुना रहे, तुलसीदास जी उतर आए एकदम डायरेक्ट। ऐसा बताना नहीं चाहिए, अपनी अपनी ठीक है, लेकिन हम बता दें। मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, जब ये एक ही इंडस्ट्री से है, मैं इंडस्ट्री बोल रहा हूं, तो ये लोग आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे का धंधा बंद करवा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बिजनेस है जो एक दूसरे के फॉलोअर्स को खींचना चाहते हैं? अरे वो गलत है, वो ड्रामा कर रहे हैं, मेरे पास आओ मैं सही शिक्षा दूंगा तुमको। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं आपसे पूछता हूं कि क्यों बोला आपने कि वो रोने का ड्रामा कर रही हैं? अगर वो रो भी रहे हैं तो करने दो ना, वो भी तो ज्ञान ही दे रहे हैं, सब अपना अपना तरीका अपना रहे हैं काम करने का। जैसा आप पर्ची काट के लोगों का तकलीफ दूर करते हैं वैसे वो भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब में जो फॉलोअर्स हैं, जो अंधभक्त हैं, जो भक्तगण हैं, वो आज पेंडुलम बने हुए हैं कि जाए तो किधर जाए, सुने तो किसकी सुने, माने तो किसकी माने, कौन से बाबा सही है, ये बाबा सही है, वो बाबा सही है, ये बाबा सही है, वो बाबा सही है। मैंने पहले भी कहा है, बाबा का मतलब होता है पिता, जो आपके साथ आपके टफ टाइम में आपके साथ खड़ा रहे, आपको बताए कि संयम कैसे रखें, मेहनत कैसे करें, गिरकर उठे कैसे, ये होता है बाबा का मतलब। लेकिन ये बाबा लोग आपके इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं, वो क्या कहते हैं, अरे आपका वास्तु सही नहीं था, आपने इस भगवान की पूजा नहीं करी इसलिए ऐसा हुआ, अरे आपने समोसा लाल और हरी चटनी के साथ नहीं खाया इसलिए ऐसा हुआ, अरे आपने इस दिन काले बकरे को रोटी नहीं खिलाई, आपको इतने दिन का व्रत करना था। और इतना सुनने के बाद आपको लगता, अच्छा तो ये रीजन था, बस आप इन बाबाओं से निजात मांगने में लग जाते हैं, बाबा निजात दो, बताइए मैं इसे कैसे बाहर निकलूं। अब बस हो गया खेल शुरू यहां पे। ताउम्र आप उन लोगों को फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी आपको कोई हल नहीं मिलता, जिंदगी भर आप ऐसे ही निकाल देते हो। देखो यार, मैं ज्यादा इन बाबाओं के बारे में बात नहीं करूंगा, सिंपल सा बेसिक लॉजिकल पॉइंट्स देता हूं आपको यहां पे, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी आपके पास ही है। एक तो आप उस प्रॉब्लम के बारे में सही से समझें, उस पर रूट कॉज क्या है उसको समझें, रिसर्च करें, सीखें, पढ़ें, प्रैक्टिकल करें और अपने तरीके से उसका हल ढूंढें। और अगर आपसे नहीं होता है तो उस प्रॉब्लम एरिया में जो एक्सपर्ट है उनसे मिलें, उनसे सलाह लें। चाहे वो मेडिकल फील्ड हो तो आप डॉक्टर से मिलें, जुडिशरी एडवाइस लेनी हो तो वकील से मिलें, फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो फिनेंशियल एडवाइजर से मिलें। कोई बाबा आपको कुछ नहीं बता सकता कि इस दुख का निवारण क्या है, आपको खुद सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। और एक बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा कि यार हम इंसान हैं, हमारी लाइफ में दुख और सुख दोनों होंगे, फायदा और नुकसान दोनों होगा। किसी के साथ हो सकता है कम हो, किसी के साथ ज्यादा हो, किसी के साथ हो सकता है थोड़े लंबे समय तक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुख की और दुख और वो पीड़ा हमेशा आपके साथ रहेंगे। मेहनत करिए, परिश्रम करिए और यही जीवन का मूल आधार है। और इस चीज़ को समझने के लिए आप सोचो कि आप एक हॉस्पिटल के बेड में पड़े हो, आपके साइड में एक मशीन लगी होती है,
जो आपके जीवन के उतार चढ़ाव को ग्राफ में बता रही होती है वाइटल साइन के रूप में. दैट मीन्स यू आर स्टिल अलाइव. और जैसे ही ये एक प्लेन लाइन में बन जाती है, इसका मतलब होता है कि आप मर चुके हो. और यही सच है. लाइफ इज ऑल अबाउट योर हसल्स, योर फाइट, योर विलिंगनेस टू विन. यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट कि हाँ, ये सिचुएशन है, लेट्स डील विद इट. इस वीडियो को ही मैं खत्म करूंगा एक क्लिप के साथ. और ये वो हीरोज हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, जिनको देख के लगता है कि लाइफ में बहुत क्रिटिकल है इनकी, कितनी डिफिकल्ट लाइफ है, फिर भी ये जी रहे हैं, अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं और जीत भी हासिल की है. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बड़ों का नमस्कार, छोटों का प्यार. हॉस्पिटल आया तो मैं दो पैर और दो हाथों के साथ था, पर जा रहा सिर्फ एक पैर के साथ था. मैं एक कुत्ते की तरह बैठ के चलता था. मैंने वो बात भाई को भी नहीं बताई, घर पे भी किसी को नहीं बताई. ब्लाइंड होना कोई कमी नहीं है, ये दुनिया की एक डाइवर्सिटी है. शायद खुद की या दूसरों की नजरों में कभी नहीं उठ पाऊंगा. ये ख्याल मेरे दिमाग में तब आया जब एक एक्सीडेंट में मैं अपना पैर खो चुका था.